यूं तो मसूरी में शाम बिताने के लिए बहुत जगह है, लेकिन मेरी फेवरेट है ये जॉर्ज एवरेस्ट। मसूरी से 6 किलोमीटर की दूरी पे एक जमाने पे यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट रहा करते थे, जिनके ऑनर में माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा था। अब यहाँ म्यूजियम बनाया जा रहा है, लेकिन अपना मतलब है इस व्यू से, बादल, बारिश और ये व्यू। कुछ पल के लिए मानो वक्त ही थम गया हो। यहाँ एक चाय तो बनती है यार, और अगर आपका दिल भी मेरी तरह थोड़े से नहीं भरता तो ये देखो, ये है जॉर्ज एवरेस्ट पीक। 900 मीटर का हाइक है जो कि लाजवाब है, और इतने में भी दिल ना भरे तो ये लो, यहाँ से हेलीकॉप्टर राइड भी होती है। 6,000 रुपए में पूरा मसूरी घुमाया जाता है यहाँ। मैं ट्रैक ही कर रहा हूँ, एक सेकंड, ये देखो, ये है असली खतरों के खिलाड़ी। कहने को 900 मीटर का ट्रैक है, लेकिन इतना स्टीप है कि नए खिलाड़ियों के पटाखे बच जाते हैं। और पीक से जो नजारा दिखेगा, एक साइड मसूरी, एक साइड पूरा देहरादून, और अगर मौसम साफ हो तो यमुना भी दिखती है। यहाँ बैठकर शाम ढलते देखी तो मानो असली मसूरी देख लिया। कल का क्या सीन है कल बताता हूँ।